अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके साथ में पत्ता गोभी की सब्जी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, और ये जो है हम लोग बहुत झटपट तरीके से बनाएंगे और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में बहुत ही मज़ेदार जो है हमारी ये सब्जी बनके तैयार होगी। तो इसके लिए जो है जी, यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई जो है वो गर्म होने के लिए रख दी है गैस पर। अब मैं इसके अंदर जो है तकरीबन हाफ कप के करीब जो है वो ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, आप कम खाते हैं तो कम लीजिए, ज्यादा खाते हैं तो ज्यादा लीजिए। अब जो है हमारा ये ऑयल गरम हो चुका है, अब इसके अंदर जो है यहाँ पर मैंने एक छोटा वाला पत्ता गोभी लिया और इसके अंदर इतने बड़े बड़े साइज का एक आलू जो है वो कट करके लिया है और इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। और अब जो है हमारा तेल गरम हो गया, इसके अंदर जो है हमें अपनी पत्ता गोभी और आलू को अच्छे से फ्राई कर लेना। गैस की फ्लेम हम हाई कर देंगे और इसमें जो है अच्छी तरीके से अपने पत्ता गोभी को अच्छे से हमें फ्राई करना है। देखिए जी, इसको जो है 10 मिनट हो गए फ्राई होते हुए हमारे पत्ता गोभी को, और ये जो है इसकी क्वांटिटी ना थोड़ी सी कम भी हो गई है। और अब इसी पॉइंट पर जो है हम इसको कवर करेंगे और हम इसको 5 to 10 मिनट और पकाएंगे ताकि जो है ये अच्छी तरीके से गल जाए। ये देखिए हमारी पत्ता गोभी जो है वो अच्छी तरीके से फ्राई हो गई है और आलू जो है वो भी हमारे जो है अच्छी तरीके से टेंडर हो गए हैं, और इसकी क्वांटिटी भी देखिए बिल्कुल जो है ये जरा सी हो गई है। तो इसकी यही निशानी है, जब ये फ्राई हो जाती है तो ये जरा सी हो जाती है बिल्कुल। तो अब हम इसे जो है एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए इसमें जो बिल्कुल जरा सा ऑयल बचा है इसमें ही हम जो है अपना जीरा डालेंगे तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब। क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास जो हमारा जितना भी ऑयल था वो पत्ता गोभी जो है उसने पूरा जो है एब्जॉर्ब कर लिया है, इस वजह से हम ज़्यादा इसमें नहीं डालेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा ऑयल हो जाएगा हमारी सब्जी में। तो हम इतने से ही ऑयल में जो है अपने जीरे को जो है अच्छे से जो है इसको सॉटे करेंगे ताकि जो इसकी एक अच्छी सी खुशबू है वो हमारी जितना भी ऑयल है उसके अंदर रिलीज हो जाए और हमारी सब्जी का फ्लेवर जो है वो इससे अच्छा हो जाएगा। देखिए अच्छे से हमारा जो जीरा है वो अच्छे से सॉटे हो चुका है। अब इसके अंदर जो हम अपने टमाटर ऐड कर देंगे, यहाँ पे मैंने एक टमाटर लिया है और इसी के अंदर जो है हम अपनी हरी मिर्च भी ऐड कर देंगे। इसको हम थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे। और यहाँ पर जो मैंने ड्राई मसाले पाउडर मसाले लिए हैं उसमें जो है 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम नमक लिया है और 1/2 टीस्पून के करीब जो है गरम मसाला लिया है पिसा हुआ, 1/2 टीस्पून से थोड़ी सी कम हल्दी ली है, और जी 1/2 टीस्पून के करीब जो है मैंने लाल मिर्च ली है। मिर्ची और नमक की जो क्वांटिटी है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लें, क्योंकि मैंने इसमें हरी मिर्च भी ऐड की है इस वजह से मैंने कम ली है इसमें। अब जी यहाँ पर जो है हम लोग हल्का सा ऑयल इसमें ऐड करेंगे क्योंकि हमारे पास जो है बिल्कुल भी पानी मैंने ऐड किया है क्योंकि हमारे पास बिल्कुल भी ऑयल नहीं है। तो हमें जो है अपने टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट करने हैं और पानी इसलिए हमने इसमें ऐड किया है ताकि हमारे जो टमाटर हैं अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। गैस की फ्लेम जो है अभी हम हाई करके इसको बिल्कुल सॉफ्ट कर लेंगे अपने टमाटरों को। चलिए जी देखिए हमारे जो टमाटर और मिर्चें हैं पूरी तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें जो है अपने पूरे ड्राई मसाले जो है पाउडर मसाले ये हमने ऐड कर दिए हैं और इसको जो है अच्छे से थोड़ा सा फ्राई करेंगे हम तकरीबन 10 to 20 सेकेंड। अब इसके अंदर जो है पत्ता गोभी ऐड कर देंगे ताकि हमारे मसाले जो है वो जले नहीं
और अब हम जो है इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। देखिए मैंने आपसे कहा था ना कि हमारी जो पत्ता गोभी है उसमें बहुत सारा जो है वो ऑयल है। देखिए कितना ऑयल था। देखिए अब हम जो है इसको अच्छे से हाई फ्लेम के ऊपर इसे अच्छी तरीके से जो है इसकी भुनाई कर लेंगे ताकि हमारे मसालों का, टमाटर का, हरी मिर्चों का टेस्ट जो है इसमें अच्छी तरीके से आ जाए। तकरीबन इसे 5-10 मिनट हमें बहुत अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करनी है। इस वक्त जो है हम अपनी गैस का फ्लेम जो है वो लो कर लेंगे और अब जो है इसकी भुनाई करेंगे। देखिए जी हमारी जो ये सब्जी है कितने अच्छी तरीके से देखिए ये भुन गई है और कितना अच्छा कलर लग रहा है। बहुत ही डिलीशियस बनके जो है ये तैयार हुई है और गैस की फ्लेम भी जो है वो मैंने ऑफ कर दी है। और ये देखिए कितनी प्यारी बनके तैयार हुई है और एकदम फटाफट बनी है और बहुत ही ज़्यादा कम इंग्रेडिएंट में हमने बनाई है। बिल्कुल ना तो हमें मसाले भूनने की ज़रूरत पड़ी ना किसी चीज़ की, बस ड्राई मसाले और एक टमाटर हरी मिर्च में जो है हमारी सब्जी बनके तैयार होगी। चलें जी इसको जो है एक प्लेट में मैं सर्व कर देती हूँ। ये इतनी मज़े की लगती है ना, आप रोटियों के साथ खाइए, बहुत ही अच्छी लगती है। पराठों के साथ में भी खा सकते हैं आप, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत ही ज़्यादा। अब जो है मैं इसको थोड़ा सा हरा धनिया से जो है गार्निश करूंगी। ताकि इसका टेस्ट जो है और ज़्यादा इन्हेंस हो जाए। अगर आपको मेरी ये आज की डिलीशियस सी रेसिपी पसंद आई तो कुकिंग विद अर्शी को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।